केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली कार लॉन्च की है। ऑटो कंपनी टोयोटा ने भारत में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अपना पहला फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया। इस कार की खासियत होगी कि ये फ्लेक्स फ्यूल यानी फ्लेक्सिबल फ्यूल पर चलेगी और ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल भी होगी। इस कार की कुछ और खूबियों के बारे में आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमरीश पांडे। भारत सरकार सड़क परिवहन मंत्रालय ने आज ये गाड़ी लॉन्च की है जो कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे है। ये है कोरोला एल्टिस हाइब्रिड। ये गाड़ी तीन तरीके की फ्यूल ऑप्शन पे चल सकती है। पहला तो ये कि ये फ्यूल इंजन पे चल फ्यूल इंजन जो है इसका पेट्रोल कंपेटेबल है। इसके अलावा ये साथ साथ इथेनॉल पर भी चल सकती है, यानी कि किसी भी किस्म के किसी भी कॉम्बिनेशन में इथेनॉल ब्लेंडिंग पर भी ये गाड़ी चल सकती है। इसके साथ ही ये गाड़ी अपने आप में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है और उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये गाड़ी जब पेट्रोल पे चल रही होगी इथेनॉल पे चल रही होगी उस दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसका इस्तेमाल ये गाड़ी खुद करेगी उस बैटरी को चार्ज करने के लिए, जिसका कि आप गाहे बगाहे इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पे। अगर हम गाड़ी की बात करते हैं तो फिलहाल ये गाड़ी ब्राजील में इस्तेमाल हो रही है क्योंकि ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा शुगर उत्पादक है, इथेनॉल उत्पादक है, वहाँ इथेनॉल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। भारत सरकार यही कोशिश कर रही है कि देश में जो इथेनॉल है उसका इस्तेमाल हम कर सकें फ्यूल के तौर पर, और अगर हम लोगों को ऐसा ऑप्शन देंगे जो कि इजीली अवेलेबल हो और आसानी से सस्ता भी हो, सस्टेनेबल भी हो, तो लोग ज़रूर इस पर शिफ्ट करेंगे। इसके साथ एक अहम कदम आज ज़रूर उठाया गया है। सरकार ने सभी कंपनियों से ये कहा है, उनको एडवाइजरी दी है कि आप आने वाले दिनों में इसके लिए फ्लेक्स फ्यूल इंजन डिज़ाइन करें, यानी कि भविष्य में हम इस तरह की और सारी गाड़ियाँ बाकी कंपनीज की तरफ से भी देख सकते हैं। फिलहाल ये पायलट है और भविष्य में इसको हम भारत की सड़कों पर देखेंगे। कैमरामैन तेज के साथ अमरीश पांडे, जी बिजनेस।